फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर जो कि क्लास नाइन्थ का है, और इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, विच इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। तो हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि सिचुएशंस, पॉसिबल सिचुएशंस बतानी है जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहली हमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो कॉन्स्टेंट है बट उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स? अपने पास में ये हम यहाँ लिख लेते हैं, पहला पार्ट है। तो जब आपने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट, सपोज आपने कोई बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये बॉल है हमारे पास में एंड ये बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है ऐसे। तो क्या होता है कि जब इस बॉल को थ्रो करते हैं तो ये ऊपर जाती है और जाने के बाद में यहाँ रुक जाती है और रुकने के बाद में फिर नीचे आती है। तो जब ये ऊपर जाती है और यहाँ जाकर ये रुकी, जिस पल ये रुकी उस समय पर इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इसकी वेलोसिटी होती है उस समय पर जीरो। तो ये वो केस है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। तो यू कैन राइट हियर दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उस समय पर क्या होगा, एक्सीलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपको बताना है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के केस में ये सिचुएशन फॉलो होती है, दैट इज अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो मान लीजिए वो किसी समय पर यहाँ है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से होगी, और ये अगर इसका सेंटर है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्सेलरेशन होगा इसके सेंटर की तरफ इस तरह से। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं, और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे और ये वेलोसिटी है। तो कहा उसने एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये सिचुएशन फॉलो होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।